हाँ, क्योंकि बीवी ने बिरला खानदान की इज्जत को उछालने की कोशिश की जो दादी कभी नहीं चाहती। ठीक है, दादी ने कभी सुहानी को पसंद नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिरला खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाए, इसलिए दादी ने गुस्सा किया। उस दिन बेबी बता रही थी कि कुछ कुछ जगह आप भी उनकी मदद कर रही हैं सुहानी को टॉर्चर करने के लिए, लाइक आपके उससे एक परमिशन मिल गई कि हाँ तुम कर सकती हो, फिर आज क्यों दादी इतना लाइक? नहीं, लाइक ऐसा नहीं था कि वो परमिशन मिल गई, दादी का शुरू से ऐसा ही था कि दादी ने कभी सुहानी को पसंद किया ही नहीं है शुरू से अभी तक। तो वो ये कहती थी भाई ठीक है, अभी तुम अगर उनकी बीवी बन गई हो और अगर तुमको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो तुम अपने हिसाब से सजा दे सकती हो। सो कहीं ना बेबी सुहानी को लाइक इस सब में टॉर्चर कर रही थी, बट कहीं ना कहीं वो पैसे के मामले में खुद लाइक नीचे हो गई। उन्होंने बोला कि मैं खुद नाच लूँगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए दादी ने उसे कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, बिरला खानदान की इज्जत क्या है और लिहाज में सजा दी जाती है। इसीलिए दादी ने सुहानी को भेजा कि जाओ कपड़े चेंज करके जाओ। उसने कहना चाहा कि भाई युवराज के साथ वो कुछ नाजायज संबंध बना रही थी, तो इसीलिए दादी ने उससे कहा कि आप रुको, एक शब्द और नहीं सुनना मुझे। सो युवराज को भी पता चल गया, वो भी सुहानी की हेल्प करने के लिए बीबी के पास चले जाते हैं। यस, तो आपको पता है कि वो युवराज थे? नहीं, वो दादी को पता नहीं है कि युवराज। सो लास्टली आप अपने फैन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी और क्या क्या ट्विस्ट और देखने मिलेंगे अभी सुहानी से? ट्विस्ट तो अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने के लिए, बस आप देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमें ये जानने को मिला कि 5 बजे का टाइम स्लॉट उन लोगों को पता नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों